नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चेक पोस्ट पर जलती रही गाड़ी, दूसरी तरफ चलती रही एंट्री, नहीं पहुंचा कोई बचाने। ये देख भाई गाड़ी कैसे जल गई, अभी भी एंट्री मांग रहे हैं। वहां पे गाड़ी आग लग गई, बगैर काटा निकाल दिया, फिर भी इनको एंट्री जरूर चाहिए। किसी गाड़ी का कुछ भी नुकसान हो जाओ चाहिए, सारी गाड़ी जल गई, कोई हेल्प नहीं दे रहा, कि कोई आग बुझाने वाली नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, सीधा माल है। इन्हें तो सिर्फ अपनी एंट्री का मतलब है, इन्हें ना दिखता कि मैं गाड़ियां भी नुकसान हो रहे हैं। घटना सेंधवा बॉर्डर मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। ड्राइवर है विजय रोहतक हरियाणा से, जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजी है। वीडियो में देखा जा सकता है एक ट्रक जो आग के हवाले हो चुका है, बड़ी भयानक आग लगी हुई है। आरटीओ चेक पोस्ट पर यह हादसा हुआ है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सुविधाओं के अभाव की वजह से पूरा ट्रक और माल जलकर खाक हो गया। ये सभी आरोप विजय ने लगाए हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई। ड्राइवर का कहना है कि आरटीओ कर्मी सिर्फ अपनी एंट्री के पैसे लेने में मशरूफ थे, किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि गाड़ी की आग बुझाने के लिए प्रयास करे। कोई फायर ब्रिगेड भी टाइम पर नहीं पहुंचा, ना ही वहां इस तरह की आग बुझाने की कोई सुविधा थी। अगर ये सब होता तो शायद गाड़ी भी पूरी जलने से बच जाती और गाड़ी में रखा माल भी। 27 नवंबर सुबह 4 बजे की घटना ड्राइवर ने बताई है। विजय दिल्ली से बेंगलुरु पार्सल लेकर जा रहे थे। यही नहीं, उन्होंने ये तक पोल खोली कि यहाँ पर एंट्री आरटीओ वाले लेते हैं और जो नहीं देता 2000 रुपए का चालान कर देते हैं। लेकिन हाँ, सुविधाओं के लिए इनसे उम्मीद मत कीजिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आरटीओ बॉर्डर या चेक पोस्ट पर फीस तो ली जाती है और एंट्री की वसूली करने के लिए भी ये सब जाने जाते हैं, तो क्या ऐसी सुविधाओं से इन्हें लैस नहीं होना चाहिए? सिर्फ अपनी जेबें भरना और सरकारी खजाने भरना ही इनका काम है। आरटीओ कर्मियों का काम क्या सिर्फ चालान करना, ड्राइवर को बेवजह परेशान करना है क्या? ऐसे कई सवाल इस हादसे ने खड़े कर दिए हैं और ड्राइवर ने भी यही सवाल इस वीडियो में किए हैं। अब इन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ है। 28 से 30 लाख की गाड़ी और उस पर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सुविधाओं का कोई अता पता नहीं, तो प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे मामलों में गहराई तक जाएं और सुविधाएं मुहैया करवाएं। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ, आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है, चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।